हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम हिमीन के बारे में बात करेंगे। हिमीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C34H32N4O4Fe3Cl। ये एक आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन है जिसके अंदर क्लोरीन प्रेजेंट होता है और इसे एक हीम ग्रुप से बनाया जा सकता है, जैसे कि ह्यूमन ब्लड के अंदर पाया जाने वाला हीम बी। ये एंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड होता है और इसकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हीम के जैसी होती है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो आयरन होगा उसकी +3 स्टेट होगी और इसके साथ में एक क्लोरीन अटैच होगा, और जितने भी पायरोल रिंग हैं उन सब के बीटा पोजीशन पर मैथिल ग्रुप अटैच होगा। अब हम हीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमीन, इन सब के आपस में इंटरकन्वर्जन के बारे में देखते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जब उसके साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि एक अनस्टेबल स्टेट में होता है। जब ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन को बॉडी के आउटसाइड रखा जाता है तो ये मेथहीमोग्लोबिन के अंदर चेंज हो जाता है, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। जब इस मेथहीमोग्लोबिन को एसिटिक एसिड या सोडियम क्लोराइड के साथ में हाइड्रोलाइज्ड करवाया जाता है तो ये हीमीन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने पीछे भी देखा था, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C34H32N4O4Fe3Cl। और जब मैथ हीमोग्लोबिन को एसिटिक एसिड के साथ में ट्रीट किया जाता है तो ये हीमेटिन और ग्लोबिन, इन दो पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर हीमेटिन एक ब्राउन रेड पिगमेंट होता है। जब इन्हें एसिटिक एसिड या फिर सोडियम क्लोराइड के साथ में ट्रीट करवाया जाता है तो फिर ये हीमीन के अंदर चेंज हो जाते हैं। जब हीमीन को Na2S2O4 के साथ में ट्रीट किया जाता है तो ये हीम का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।